हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनहांस योर स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लिटरेरी टर्म्स की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। ये उसका पार्ट वन है और इसमें कई वीडियो मैं लेकर आऊँगी और जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है उनको मैं डिटेल में कवर करूँगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। लिटरेरी टर्म्स UGC नेट, TGT, PGT एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लिटरेरी टर्म्स का। जो पहला टर्म है एब्सर्ड। द टर्म इज़ अप्लाइड टू नंबर ऑफ वर्क्स इन ड्रामा एंड प्रोज फिक्शन। ये एब्सर्ड टर्म ड्रामा और प्रोज फिक्शन दोनों में अप्लाइड किया गया है। इट वॉज एंटिसिपेटेड एज अर्ली एज 1896 इन एल्फ्रेड जेरीज फ्रेंच प्ले यूबीरॉय। तो सबसे पहले इस टर्म को 1896 में अल्बर्ट जेरीज का फ्रेंच प्ले यूबीरॉय में इसको अप्लाई किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द 1940s देयर वॉज ए वाइड स्प्रेड टेंडेंसी स्पेशली प्रोमिनेंट इन एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी राइटर सच एज जीन पॉल सार्टे एंड अल्बर्ट कमस। बट इसको पॉपुलरिटी 1940s के बाद मिली। जो एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी के राइटर हैं जीन पॉल सार्टे एंड अल्बर्ट कमस, इन दोनों राइटरों ने अपने वर्क्स में एब्सर टर्म को यूज़ किया हुआ है और इसी के साथ इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ी और आगे के राइटरों ने भी अपने लेटर में, अपने वर्क्स में इस टर्म को यूज़ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, सैमुअल बीकेट द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर बोथ इन ड्रामा एंड प्रोज फिक्शन वॉज एन आयरिश मैन हु ऑफन रोट इन फ्रेंच एंड देन ट्रांसलेटेड हिज वर्क्स इनटू इंग्लिश। सैमुअल बीकेट ने ड्रामा और प्रोज में अपने वर्क्स को लिखा है। ये एक आयरिश राइटर थे और पहले इन्होंने अपने वर्क्स को फ्रेंच में लिखा था और बाद में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया है। तो उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो है वेटिंग फॉर गोगोट, जो 1954 में लिखा गया था, और दूसरा इनका वर्क है एंड गेम। ये दोनों एब्सर्ड फिलोसफी के बेस्ट एग्जाम्पल हैं। वेटिंग फॉर गोगोट सैमुअल बीकेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। ये दो एक्ट में लिखा गया है और इस प्ले में स्टार्ट से लेकर लास्ट तक हमें कुछ नहीं समझ में आता कि आखिर राइटर हमें क्या बताना चाहता है। नेक्स्ट टर्म है एस्थेटिक आइडियोलॉजी। इस टर्म को समझने से पहले हमें ये समझना होगा एस्थेटिक का मींस क्या होता है। तो एस्थेटिक का मतलब होता है कंसर्न विद ब्यूटी और आर्ट। तो जो इसका पहला पॉइंट है, एस्थेटिक आइडियोलॉजी वॉज टर्म अप्लाइड बाय द डिकॉन्स्ट्रक्टिव थ्योरिस्ट पॉल डी मैन इन हिज लेटर राइटिंग टू डिस्क्राइब द सिडक्टिव अपील ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंस। यानी एस्थेटिक टर्म को जो सबसे पहले अप्लाइड किया गया था वो डिकॉन्स्ट्रक्टिव थ्योरिस्ट थे पॉल डी मैन ने। अपने लेटर राइटिंग में इस टर्म को यूज़ किया उन्होंने। अपने वर्क्स में एस्थेटिक आइडियोलॉजी का बहुत अच्छा प्रयोग किया है और उनका लाइफ में क्या एक्सपीरियंस रहा उसको इन्होंने अपने लेटर के माध्यम से, अपने वर्ड्स के माध्यम से रीडर तक पहुंचाने की कोशिश की है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन डी मैंस व्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ एस्थेटिक्स केम टू स्टैंड फॉर ऑल ऑर्गेनिस्ट अप्रोचेस नॉट ओनली टू आर्ट बट टू पॉलिटिक्स एंड कल्चर एज वेल। एस्थेटिक टर्म को न केवल हम आर्ट के रूप में ही यूज़ करते हैं। एस्थेटिक का मतलब जैसे होता है कि कोई चीज़ बहुत ही सुंदर है, यानी सुंदरता को दिखाना, अपने वर्क्स में राइटर के द्वारा सौंदरता का बखान करना,
तो राइटर कहता है यहाँ पर कि उसने ना केवल आर्ट को यहाँ पर दिखाया है बल्कि पॉलिटिक्स और कल्चर में भी हम अस्थैतिक वर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं उसको भी बहुत अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट पॉइंट है द मार्क्सिस्ट थ्योरिस्ट टेरी गल्टन प्रेजेंटेड अ हिस्ट्री एंड क्रिटिक ऑफ द अस्थैतिक इन आइडियोलॉजी ऑफ अस्थैतिक 1990 में। मार्क्सिस्ट थ्योरी टेरी गल्टन ने अपने वर्क्स आइडियोलॉजी ऑफ अस्थैतिक में जो कि 1990 में लिखा गया था उसमें इस टर्म को यूज़ किया है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट टर्म है अफेक्टिव फैलसी। द टर्म वॉज क्वाइंड बाई डब्ल्यू के विम्सार्ट एंड मोनरो सी बियर्सले। ये टर्म डब्ल्यू के विम्सार्ट एंड मोनरो डी बियर्सले के द्वारा क्वाइन किया गया था फर्स्ट टाइम इन हिज एसे पब्लिश्ड इन 1946। डब्ल्यू के विम्सार्ट एंड मोनरो सी बियर्सले डिफाइंस द अफेक्टिव फैलसी एज द एरर ऑफ इवोल्यूटिंग पोएम। यानी जब हमारी पोएम में कोई एरर आ जाती है उसको हम किस तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं, रीडर पर उस पर क्या अफेक्ट पड़ता है, उसको इन्होंने अपने ऐसे 1946 में जो लिखा गया था उसमें दिखाने की कोशिश की है। रीडर पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, रीडर की इमोशनल पर, इमोशनल थिंकिंग पर क्या इस टर्म का इफेक्ट पड़ता है, ये सब इन दोनों राइटरों ने अपने वर्क्स में दिखाने की कोशिश की है। फाइन नेक्स्ट टर्म है एलिट्रेशन। ये टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टीजीटी और पीजीटी में कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं इस टर्म का क्या मतलब होता है। एलिट्रेशन इज अ रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स। एलिट्रेशन रिपीटिशन है ऐसे वर्ड का जो बार बार आते हैं। यूजुअली द टर्म वॉज अप्लाइड ओनली टू कंसोनेंट। यूजुअली इस टर्म को कंसोनेंट में यूज़ किया गया है, यानी अगर कोई कंसोनेंट वर्ड बार बार एक ही सेंटेंस में आता है तो उसको हम एलिट्रेशन कहते हैं। When the recurrent sound is made emphatic because it begins a word or stress syllable within a word, यानी consonant sound का consonant word की अगर बार बार repetition होती है, उस sound की बार बार repetition होती है तो उसे हम alliteration कहते हैं। For example के लिए in the summer sun shines, यहाँ पर अगर हम देखें तो s word की जो कि एक कंसोनेंट वर्ड है उसकी बार बार ये वर्ड्स आया है, रिपीटेशन हुआ है इस वर्ड का, इसलिए यहाँ पर एलिट्रेशन यूज किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विलियम लैंगलैंड्स का पायर्स एंड प्लोमैन एंड रोमांस सर गोवेन एंड ग्रीन नाइट बोथ रिटेन इन 14th सेंचुरी इन ओल्ड एलिट्रेटिव मीटर। अगर हम 14th सेंचुरी की बात करें तो 14th सेंचुरी में मोस्टली राइटर ने एलिट्रेशन मीटर का यूज़ किया हुआ है अपने वर्क्स में। उनमें से जो विलियम लैंगलैंड का पायर्स एंड प्लोमैन है और सर गैविन एंड ग्रीन नाइट, ये दोनों वर्क्स एलिट्रेशन में लिखे गए हैं। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये टर्म जो अभी मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिफरेंट वर्ड लेकर आऊँगी, टर्म लेकर आऊँगी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।